this could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स टॉक्स। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे अपनी एक लाइव ट्रेड जो मैंने थोड़े दिन पहले ही ली थी। इसको मेरे को लिए हुए बस 2 हफ्ते हो रहे हैं और इसमें मैं अर्न कर चुका हूँ कम से कम 20% रिटर्न। बहुत ह्यूज रिटर्न्स मैं इसमें अर्न कर चुका हूँ और इसमें अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड जानोगे तो आपको सच में यकीन नहीं होगा। लेकिन आपको शो करूंगा, पूरी प्रूफ दूंगा अपना जीरोधा अकाउंट का, आपको स्क्रीनशॉट भी इसमें डालूंगा, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट इस पर देख सकते हैं मैंने किस प्राइस में ये खरीद है और अभी इसका प्राइस क्या है, और आपको यही पता चल जाएगा कि मैंने इस प्राइस में किस दिन इसको खरीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्टॉक का नाम आपको बताने जा रहा था उसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसका नाम है पूरा। अगर देखा जाए तो फाइनेंस वाली कंपनी है, रेंटल और लीजिंग का भी इसका काम है। और इसको देखा जाए तो मैंने इसको क्यों लिया, कैसे इसको परचेज किया, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो इसमें मेरा बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा था, एक डिमांड जोन बन रहा था इस स्टॉक में। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इस पर डिमांड जोन बन रहा है। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पर डिमांड जोन बना है और बहुत अच्छी सी क्लोजिंग हुई है, प्लस ये ओरिजिन वाला डिमांड जोन है। इस यहाँ पर देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है अगर, और यहीं पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन भी दिख रहा है। तो बहुत अच्छा ये लेवल था और देखिए कितने अच्छे डाउनफॉल के बाद भी मैंने इसको इस लेवल में छोड़ा नहीं और उतने अच्छे इसमें डाउन मूव, इतना अच्छा लोअर ट्रेंड इस पर बन चुका था लेकिन फिर भी मैंने स्टॉक को छोड़ा नहीं। और इसने करेक्ट मेरे ही एंट्री पॉइंट से इसने बहुत अच्छा अप मूव दिखाया है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मेरा जो मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था, सपोर्ट जोन भी था, इसमें मेरे को डबल कन्फर्मेशन मिल रही थी। यहाँ पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी था, ये रहा मेरा सपोर्ट जोन, आपको मार्क करके देता हूँ, ये मेरा सपोर्ट जोन था। इसी के नीचे मैंने इसमें स्टॉप लॉस भी रखा था। डिमांड जोन मेरा यहाँ पर बना था, वीकली टाइम फ्रेम भी एक बार चेक करते हैं हम। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग इसमें डिमांड जोन नहीं दिखा था, और वही वापस आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो इसमें मैंने एंट्री कैसे की, तो इसमें मैंने एंट्री करी थी अपने 400 डिमांड जोन में। मेरी जो एंट्री पॉइंट इसमें मैक्सिमम और अच्छा एंट्री पॉइंट जो मेरा इससे बन रहा था वो बन रहा था मेरा 490 के आसपास। 490 के आसपास मैं एंटर करना चाहता था लेकिन जितना अच्छा इसमें मेरे को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था तो उसमें मैंने एंट्री करने का प्रीफर किया इसके मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल मेरा 479 के आसपास का था लेकिन मैंने इसमें एंटर किया है अपना 476 के लेवल पे। 476 पे मेरा लेवल मेरा एंट्री पॉइंट था और स्टॉप लॉस आप यकीन नहीं मानोगे, स्टॉप लॉस तो मेरा सपोर्ट और प्लस डिमांड जोन के नीचे ही रहने वाला था। स्टॉप लॉस मेरा था 466 का स्टॉप लॉस, 476 का एंट्री पॉइंट, और मिनिमम मेरा टारगेट जो था वो था ये वाला लेवल। आपको पूरे लेवल्स मार्क करके बताऊं कि मेरा पहला टारगेट क्या था। पहला टारगेट मेरा था 541 का लेवल, मेरा पहला टारगेट था। इस पर आपको दिखाता हूं कि मैंने कितने अच्छे और कितने इस पे, तो मैंने बस 4 दिन में अपने टारगेट हिट किया था। आपको बताता हूं कितने परसेंट मैंने रिटर्न बुक किया था इसमें। तो अगर मैं 541 का फर्स्ट टारगेट लेके चलूँ तो मेरे को इसमें 13.96% का गेन हुआ था बस 4 दिन के अंदर। बस 4 दिन के अंदर मेरे को इतना अच्छा गेन हुआ था लेकिन मैंने इस पर वेट किया, मैंने इस पर ट्रेलिंग करी, मैंने इतना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आया क्योंकि मेरा इस पर जो रिस्क रिवॉर्ड था वो बस फर्स्ट टारगेट में ही 1:6 का था। इतने ह्यूज रिटर्न के साथ मैंने 13% गेन किया है 4 दिन में। तो मैंने इस कोशिश करी थी कि मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट किया क्योंकि ये सप्लाई जोन मेरे को ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और आप देखोगे कि यहाँ पर से देखिए प्राइस नीचे आया भी है, जो मेरा सप्लाई जोन जो मैंने मार्क किया था देखिए यहाँ पर जैसे ही टच किया उसके बाद नीचे आया है। तो मैंने वेट किया, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने स्टॉप लॉस किया। याला मेरा एक सपोर्ट लेवल था जिसको मैंने चाहता था कि याला दोबारा ब्रेक नहीं होगा, अगर प्राइस इससे नीचे भी आए तो यहाँ पर टच करके वापस चले जाएगी, लेकिन प्राइस ये वाले लेवल से ही अपने वापस चले गई, यहाँ से वापस गई। और मैंने वेट किया, मैंने जैसे ही ये डिमांड सप्लाई जोन मेरा ब्रीच हुआ उसके बाद देखिए मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था ये वाला रेजिस्टेंस जोन, देखिए आपको दिख रहा होगा 571 पे कितना इंपॉर्टेंट मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी भी मैं इसमें 50% क्वांटिटी बेच चुका हूँ और 50% क्वांटिटी मेरी होल्ड पे है। और अब मैं बताता हूँ आपको मेरा नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लस टारगेट क्या है। फाइनल टारगेट तो मेरा इसमें ये वाला लेवल है, ये वाला जो सप्लाई जोन है ये मेरा फाइनल टारगेट होने वाला है। इसमें 639 का लेवल, 640 राउंड ऑफ ले सकते हैं, 640 में इसमें मैक्सिमम टारगेट लूँगा। और अगर 640 का टारगेट मेरा हिट हो जाता है तो इसमें मैं 34% बुक करूँगा। और आप रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें बुक करने वाला हूँ, 15.5
0.29% का रिस्क रिवॉर्ड आपने, सच बता रहा हूँ, कभी शायद देखा भी नहीं होगा। इतने ह्यूज रिटर्न के साथ में 2.24% का स्टॉप लॉस है, तो मेरा 34% का टारगेट आ रहा है। आपके सामने ही होगा सब कुछ, मैं ऐसा यही नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, प्रूफ दिख जाएगा कि मैंने किस लेवल पर बाई किया है। 476 लेवल पर मेरा बाई है, और 476 लेवल आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आया है, किस समय 476 का लेवल हमको देखने को मिला है और कितना वो नीचे गया है। तो आप स्टॉप लॉस भी मेरा देख सकते हैं, 476 के लेवल पे आपको बाई कितना हुआ है ये भी आपको दिख जाएगा, और अभी क्या प्राइस आपको दिख रहा होगा, 574 का प्राइस है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस दिन मेरा 476 का लेवल आया था। मैं आपको डे भी दिखा देता हूँ, इसमें मेरे कम से कम लग रहे हैं 14 बार्स, इसका मतलब मेरा 14 डेज के अंदर, मतलब 14 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही मेरा ये टारगेट हिट हो चुका है। देखिए 1 वीक से भी कम का टाइम है, 1 वीक का टाइम है ये, 1 वीक में कम से कम मैं कितना बुक कर चुका हूँ अपना 20% रिटर्न, क्योंकि 20% रिटर्न इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो वो है 1:9 के आसपास का। इतना ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड के साथ अभी मेरी ट्रेड चल रही है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ट्रेलिंग वाला लेवल क्या है। फाइनल के बाद भी मैं आपको एक बार दोबारा वीडियो एक बार डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मेरा फाइनल क्या है। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है मेरा इस डिमांड जोन के नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे को वीकली में भी एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। तो अभी मेरा ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो है 504 के आसपास का, 504 के आसपास का मैंने दोबारा बहुत ज्यादा रिस्क के साथ अभी लिया है। लेकिन आपको ध्यान से दिखेगा कि जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, यही मेरे को लग रहा है शायद ब्रेक हो चुका है। मैं वॉल्यूम आपको चेक करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम अच्छे होंगे तो मैं इसको होल्ड करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने इसको होल्ड किया है। लेकिन मैं अभी 50% क्वांटिटी बेच चुका हूँ, अच्छा खासा मैं इसमें रिटर्न बुक कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा ये होल्ड है 50% क्वांटिटीज, और मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला टारगेट जो कि 640 का लेवल है वो मेरा टारगेट आ जाए। तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखा दिया है कैसी मैंने ट्रेड करी है, आपको स्क्रीनशॉट दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ मिल जाएंगे। कोई फालतू की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, पूरे प्रूफ के साथ बनाऊंगा। 476 के लेवल पर आपको बाई दिखेगा, और आपको देख सकते हैं 476 का लेवल हमारा कब आया है, 20 दिसंबर के आसपास को हमारा देखिए 476 का लेवल आया है, और उसी दिन मैंने बाई किया है, और मेरा आप देख सकते हो 574 अभी ट्रेडिंग प्राइस है, और आराम से मैंने इसमें 20% प्लस रिटर्न बुक कर चुका हूँ। रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा होगा 1:9, इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ इतनी अच्छी मेरे को 20% की ट्रेड अगर 2 हफ्ते में देखने को मिल जाए तो बाकी मुझे स्विंग ट्रेड से क्या चाहिए। और यही चार्ट्स मैं अपने इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम में भी शेयर करता रहता हूँ, आप वो चैनल जरूर ज्वाइन करना क्योंकि ऐसी ही ट्रेड आपको मिलते जाएंगी। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं उसमें भी ट्रेड शेयर करते रहता हूँ, और कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं, लोगों की क्वेरीज होती है चार्ट से रिगार्डिंग या किसी भी चार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, प्लस उसका भी मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट से मुझे बताना आपको स्टॉक से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है या इस वीडियो से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट से मुझे बताना कि आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो, और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।